हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कोच पास्टुलेट्स। ये टॉपिक जो है प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है। आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इसके शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, यार ये मैम ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ये मुश्किल नहीं है, बस 5 मिनट की वीडियो होगी आपकी और इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्कशन। चलिए आइए टॉपिक को ही देख देते हैं। देखिए, हम जानते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, दो ही चीज़ें होती हैं, एक होस्ट और एक पैथोजन। होस्ट पे पैथोजन डिजीज करता है, इज इट क्लियर। जो कोच साइंटिस्ट थे, क्या नाम है इनका, रॉबर्ट कोच, इनके बारे में मैं अभी डिस्कस ही करे दे रही हूँ। इनके नियम को ही कोच पोस्टुलेट्स बोला गया। तो रॉबर्ट कोच जो थे, इनकी जो जन्म है वो 1843 और इनकी जो डेथ है वो 1910 में हुई है। बाकी पूरा सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो टीबी करता है बैक्टीरिया, हम जानते हैं टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस है, वो बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस करने वाले बैक्टीरिया को कल्चर किया। उसको कल्चर करने के बाद में इन्होंने उसको जब स्टडी किया तो इन्होंने कुछ नियम दिए। वो नियम थे चार। उन चार नियमों को ही क्या बोला जाता है, कोच पोस्टुलेट्स। आइए हम देख लेते हैं नियम क्या थे इनके। पहले देखते हैं, देखिए, गिवन बाय रॉबर्ट कोच, जर्मन फिजिशियन थे ये। एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ कल्चर टेक्निक, इन्होंने सबसे पहले क्या एस्टेब्लिश किया है, कल्चर टेक्निक को। कल्चर किसे कहते हैं, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। किसी भी पैथोजन को जब हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, कल्चर। इज इट क्लियर। जैसे बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर, हमको डिजीज करिएगा ट्यूबरकुलोसिस का, तो वो तो कल्चर नहीं हुआ। उसको निकाल के लेबोरेटरी में इन विट्रो उसको हम जब ग्रो कराते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ कल्चर टेक्निक। कल्चर इन्होंने किसका कल्चर किया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड आफ्टर दैट प्रपोज्ड सम रूल बाय विच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिकम कल्चर, एंड दीज रूल्स नोन एज कोच पोस्टुलेट्स। तो इसको हिंदी में भी नोट्स आपको मिलेंगे। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम को कल्चर किया, उसके बाद में इन्होंने कुछ नियम प्रस्तावित किए जो डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। और इन नियमों को ही, इन रूल्स को ही क्या कहते हैं, कोच पोस्टुलेट्स। ये नियम क्या है देख लेते हैं। पैथोजन फाउंड इन प्लांट्स आर वेरी, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें जो डिजीज होती करते हैं पैथोजन, वो अलग अलग होते हैं। इज इट क्लियर। मतलब जो डिजीज्ड प्लांट्स हैं उनमें पाए जाने वाले पैथोजन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि भाई सेम तो डिजीज होगी नहीं। फॉर एग्जांपल, गेहूं में रस्ट डिजीज किससे होती है, पक्सीनिया से। स्मट डिजीज किससे होती है, अस्टीलगो से, ठीक। तो पहली बात तो इन्होंने ये कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जो डिजीज ऑर्गेनिज्म है तो उसमें पाया जाने वाला पैथोजन अलग अलग होगा, ठीक है। फिर दूसरा इनका नियम क्या था, पैथोजन कैन कल्चर आफ्टर आइसोलेशन फ्रॉम होस्ट। समझिए इस बात को, पैथोजन को होस्ट से निकाल कर कल्चर किया जा सकता है, क्लियर। उसके बाद तीसरा इनका नियम का था, आर्टिफिशियली कल्चर्ड पैथोजन आल्सो हैव रिप्रोडक्शन एबिलिटी। इस बात को समझिए, एंड व्हेन इट कॉन्टैक्ट एनी हेल्दी होस्ट देन कॉज डिजीज। आर्टिफिशियली जब हम पैथोजन को कल्चर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता रहती है। और जैसे ही वो किसी हेल्दी होस्ट के कॉन्टेक्ट में आता है तब वो डिजीज कॉज कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी अंतर नहीं है नेचुरल पैथोजन और आर्टिफिशियल पैथोजन के डिजीज में। लास्ट हमारा नियम यही है कि आर्टिफिशियली कॉज्ड डिजीज ऑल्सो सिमिलर टू नेचुरल डिजीज। मतलब आर्टिफिशियली जो डिजीज हम कॉज कराएंगे, जैसे हमने, तो वो कैसी होगी, नेचुरल डिजीज की तरह। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस से ही समझ लेते हैं कि हम जानते हैं टीबी का बैक्टीरिया लंग्स में रहता है, ह्यूमन बींग्स में, लंग्स में डिजीज कॉज करता है तो उसको टीबी कहते हैं। उसको निकाले एक पर्सन से, उसको लैब में कल्चर कराया, ठीक, ये कल्चर निकाल, दूसरा नियम आइसोलेट किया और कल्चर कराया। कल्चर कराने के बाद देखा कि वो बैक्टीरिया बिल्कुल वैसे ही क्या कर रहा, रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर हम किसी हेल्दी ह्यूमन के कांटेक्ट में उस बैक्टीरिया को ले जाएंगे तो वो बैक्टीरिया उसमें डिजीज कॉज कर देगा, तीसरा रूल। चौथा रूल क्या है, वो होने वाली जो टीबी है, जो डिजीज है आर्टिफिशियली कल्चर्ड बैक्टीरिया से हुई है, वो बिल्कुल सिमिलर होगी नेचुरली ट्यूबरकुलोसिस की तरह।
प्लांट्स की बात करेंगे तो सेम टू सेम प्लांट्स में भी ऐसा होता है। दूसरी बात यह है, यहाँ पे और ज्यादा जिक्र नहीं, बस आपका ये शॉर्ट नोट है, कुछ पोस्टुलेट आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हाँ, बस एक चीज याद रखिएगा कि वायरस को कल्चर नहीं किया जा सकता है। आपके यहाँ ये वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि किसको कल्चर नहीं किया जा सकता है, तो वायरस को। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट को कल्चर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, बस इसके नोट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे। इंग्लिश में भी मैंने इसको लिख दिया है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिलाइट बॉटनी क्लासेस नाम से ही है, आप जाएं उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। पहली एक तो आपके एग्जाम में गैप बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश ये कीजिए कि आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, जिससे आप पूरा प्रॉपर पढ़ के जाइए, ठीक है। और जो वीडियो हमारी देखा करें तो कम से कम लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिए, और जो आपके आने वाले टॉपिक हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके उसमें कमेंट कीजिए। एक बार इसको आप देख लीजिए और बस मेहनत करते रहिए।